अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपना सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। थर्ड क्लास की बुक का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और सबक का नाम है हमारे खेल। सबक का नाम है हमारे खेल। तो हम सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सबक अच्छी तरीके से सुनिएगा और समझकर पढ़िएगा, फिर इसी तरीके से याद करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं? पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है। खेल से सेहत ठीक रहती है, खेलने से तंदुरुस्ती सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है और सैरो तफरीह भी हो जाती है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। जब शुरू शुरू की ज़िंदगी थी तो उस टाइम पे इंसान कहाँ है? जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फूलों, जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। क्या कह रहे हैं? उनकी ज़िंदगी जो थी, पहले के ज़माने में इंसान ज़्यादातर जंगलों में रहता था और उनकी ज़िंदगी जो है जंगली फलों में और जानवरों में ही गुजर बसर होती थी, जानवरों के शिकार पड़ती। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर उसका हथियार था और तीर अंदाजी उसका खेल भी। क्या कह रहे हैं? तीर अंदाजी उसका खेल था और तीर ही उसका हथियार था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगियों में तब्दीलियां आती गईं, खेल भी बदलते रहे। अभी उन्होंने ऊपर यही बात बताई थी ना कि जैसे जैसे वक्त बदलता रहा ऐसे खेल भी बदलते रहे। क्या कह रहे हैं? शुरू शुरू में इंसान जब ज़िंदगी शुरू शुरू जो था टाइम, उस टाइम पे इंसान जो है ज़्यादातर जंगलों में ज़िंदगी गुजर बसर करता था और जंगली फलों और जानवरों के साथ ही शिकार से उसका गुजारा चलता था। और वो शिकार जो था, उसका हथियार जो था, वो उसका वही चीज़ जो है वो उसकी खेल था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियां आती गईं, ऐसे ऐसे ही खेल भी बदलते गए। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को फाड़ने की कोशिश करता था। क्या कह रहे हैं? कुश्ती के मुकाबले हुआ करते थे और एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता था। कबड्डी और गिल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता। कह रहे हैं, कबड्डी का खेल और गिल्ली डंडे के खेल में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ भी खेले जाने लगे। कह रहे हैं, जब दूसरे मुल्कों से हम लोगों के ताल्लुकात बढ़ते चले गए तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ भी खेले जाने लगे। तो ठीक है, अभी इसको सबक को इतना ही रहने देते हैं। इतना ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे का सबक अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो सबक बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सबक के साथ और आगे के अल्फाज मायने वगैरह और सब चीज़ों के साथ मिलते हैं आपसे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।